इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां पर बदहाल सड़कों की वजह से लोग परेशान हैं। लोगों की परेशानी बढ़ रही है, लेकिन लोगों की परेशानी को देखने वाला यहां कोई नजर नहीं आता है। खराब सड़कों की वजह से हादसे जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है इस बात को लेकर के। सुभाष नगर त्रिमूर्ति नगर कॉलोनी में सड़कें सबसे ज्यादा खराब है। 40वीं वाहिनी पीएसी मुख्यालय मार्ग भी बेहाल है। गुस्साए लोगों ने जल्द सड़क सुधारने की मांग की है और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नाराज लोगों ने जाम लगाकर विरोध जताया है। सड़कें जल्द ठीक न होने पर उग्र आंदोलन की धमकी भी लोगों ने दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां पर बेहाल सड़कों ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सड़कों की खराब हालत को लेकर के लोगों का प्रदर्शन जारी है और लोग प्रदर्शन करते हुए सड़कों की मरम्मत की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि सड़क कम तालाब ज्यादा नजर आती है और ये इसमें से निकलने वाले जो लोग हैं उन्हें किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा वो भी आप समझ सकते हैं। अब लोगों ने मोर्चा खोल दिया है प्रशासन के खिलाफ और प्रशासन से सड़क की मरम्मत की मांग की है, क्योंकि यहां पर सुभाष नगर त्रिमूर्ति नगर कॉलोनी में सड़कें सबसे ज्यादा खराब हैं। 40वीं वाहिनी पीएसी का जो मुख्यालय है, उसका जो मुख्य मार्ग है, उसकी भी हालत खराब है, जिसको लेकर के लगातार लोग परेशान हैं और लोगों की परेशानी की समझने वाला कोई नजर नहीं आता। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां पर सड़कें बेहाल हैं और सड़कों को जो परेशानी है सड़कों की वजह से लोगों को हो रही है और लोग परेशान होकर अब प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार कर चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत करवाई जाए। और इस खबर पर तमाम अपडेट के साथ तनवीर हमारे संवाददाता बहादराबाद से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तनवीर, जो लोगों ने मोर्चा खोला है प्रशासन के खिलाफ, पीडब्ल्यूडी के खिलाफ, तो क्या अधिकारियों की तरफ से अब तक आश्वासन कोई दिया गया है या फिर अब तक अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया? जी, अभी किसी तरीके का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, किसी तरीके की कोई कार्रवाई भी नहीं अभी तक हुई है। खाली लोगों ने अभी प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन भी इस बात को लेकर किया है कि मैं आपको बता दूं कि जो रानीपुर विधानसभा है उसका ही ये क्षेत्र पड़ता है, सुभाष नगर और त्रिमूर्ति नगर, इन्हीं में ही काफी दिक्कत है, काफी समस्याएं हैं। और 40वीं वाहिनी का जो है वो मुख्य गेट है यहाँ पर, और उसी गेट के बाहर ये समस्याएं लोगों को उत्पन्न हो रही हैं। आपको बता दूं कई साल से ही ये समस्या चली आ रही है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के टाइम से भी ये समस्या रही और अभी भाजपा सरकार लगातार समस्याएं जारी है और बिल्कुल परेशानी की जिंदगी इस वक्त जी रहे थी। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो